दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब करोड़ों रुपए के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और ईडी की कस्टडी में हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बीजेपी लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली के रूप में अरविंद केजरीवाल के पुतले का दहन किया और फिर उनसे इस्तीफे की मांग की। होली का त्यौहार बुराई पे अच्छाई की विजय का त्यौहार है। आज के दिन बुराई का विनाश किया जाता है। उसी दृष्टि से आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले। उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में आईटीओ में केजरीवाल के पक्ष में प्रदर्शन किया और उनके पक्ष में नारे लगाए। आंदोलन को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी ने 31 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की विशाल रैली करने का भी ऐलान किया है। 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक महारैली होगी। ये महारैली आम आदमी पार्टी की नहीं, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की नहीं, ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। किस लिए? क्योंकि आज विपक्ष पे एक तरफा हमला हो रहा है। आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला जा रहा है, चुनाव की घोषणा के बाद जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अपने ऑफिस में जाने की नेताओं को परमिशन नहीं मिल रही। उधर केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री को पत्र लिखकर पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकरों का इंतजाम करने के निर्देश दिए और साबित करने की कोशिश की कि वे जेल से ही सरकार चला सकते हैं। दिल्ली में एक तरह से संवैधानिक संकट की स्थिति है और देखना है कि अब उपराज्यपाल ऐसी स्थिति में कोई फैसला लेते हैं या फिर ऐसे ही चलने देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।